हाउ टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। अब चैनल बनाते कैसे हैं ये तो आप सबको पता ही होगा। यूट्यूब पर काफी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको लोग ये बताते हैं कि यूट्यूब पर चैनल बनाते कैसे हैं। नहीं पता तो सिंपली आप यहाँ आई बटन पे जाके क्लिक कर सकते हैं। यहाँ जाके आप देख सकते हैं वेरीफाइड यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं। वेरीफाइड यूट्यूब चैनल, अब कार खरीद तो सब लेते हैं पर उसे चलाते कैसे हैं ये सीखना पड़ता है। आपने कई ड्राइवर्स को देखा होगा जो कार सीखने के बाद अच्छी तरह से जिनकी कार चल रही है अब वो वहां जाके उस लेवल पे जाके आपको बता रहा है कि भैया स्टार्टिंग में कार चलाते कैसे हैं। तो भाई जो उस टाइम पे उन्होंने एक्सपीरियंस किया पहले के टाइम पे जो ट्रिक उन्होंने पहले यूज की जरूरी नहीं है कि वो अब भी वर्क करे इस टाइम भी वर्क करे। मैं भी काफी ट्रिक्स यूज करके देख चुका हूँ बट वो कुछ खास अच्छी नहीं वर्क कर रही है। अब जो बड़े यूट्यूबर्स जो आपको ट्रिक्स बता रहे हैं जरूरी है क्या कि वो अभी भी वर्क करें इस टाइम पे जब कंपटीशन यूट्यूब पर बहुत बढ़ चुका है। इसलिए मैं आज से ही जर्नी आपके सामने शो कर रहा हूँ कि मैं अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए क्या क्या कर रहा हूँ वो मैं आपको आज से ही बताना शुरू कर रहा हूँ। बट अभी तक मैंने स्टार्टिंग में क्या किया वो मैं बताने वाला हूँ और आपको स्टार्टिंग में क्या करना है उनके तीन पॉइंट्स में आज आपको बताने वाला हूँ। अब सपोज आपने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया बट अब उसमें करना क्या है, क्या करना है जो बड़े यूट्यूबर्स की वीडियोस देखते हैं वो बताते हैं कि यह करो वो करो, वो उन्होंने उस टाइम किया जब यूट्यूब पर इतना कंपटीशन नहीं था। बट आज क्या करना है इस वक्त क्या करना है वो मैं आपको बताते हुए चलूंगा। कैसे अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करना है जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा उस टाइम पे मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि मैंने क्या किया है। बाकी आपको दिखाते हुए तो चल ही रहे कि क्या करना है। अब सपोज आपने यूट्यूब चैनल बना लिया बट अब करना क्या है आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि स्टार्टिंग में अपने यूट्यूब चैनल में क्या करना है। सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना है कि आपको अपने यूट्यूब चैनल बनाना किस बेस पे, किस नीच पे अपना यूट्यूब चैनल बनाना है। सबसे पहले आपको अपनी एक नीच चूज करनी है किस पे आप वीडियो बनाएंगे, जैसे एंटरटेनमेंट हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। वेट, कई लोगों को कंफ्यूजन है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलग अलग है। भैया ये दोनों एक ही चीज है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों एक ही में आता है। अगर आप साइंस के टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं तो वो टेक में आएगा, अगर आप टेक के वीडियो बनाते हो तो वो साइंस में आएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों एक ही कैटेगरी में आता है। तो सबसे पहले आपको अपनी नीच चूज करनी है कि भैया हमें किस नीच पे वीडियो बनानी है और रेगुलर बनानी है। एक बार आपने अपनी नीच चूज कर ली उसके बाद आप उस नीच को चेंज नहीं कर सकते। ये नहीं कि आप टेक्नोलॉजी के वीडियो बना रहे हो, कल एंटरटेनमेंट के बना दिए, परसों ब्लॉग बना दिए, ये नहीं करना है। अगर आपने ये किया तो एंड में जाके आपका चैनल बहुत खतरे में पड़ सकता है। जब मोनेटाइजेशन की बारी आ जाएगी तो आपको काफी वीडियो डिलीट करने पड़ सकते हैं। इसलिए एक नीच पे डटे रहना है, एक नीच को ही चूज करना। पॉइंट नंबर टू, अब जब आप अपनी नीच चूज कर चुके हैं तो उसके बाद आपको अपने चैनल पर क्वांटिटी बढ़ानी है। भैया जब कार खरीद ली है तो उसमें पेट्रोल भी तो डलवाना पड़ेगा और जितना ज्यादा पेट्रोल डलवाओगे कार उतनी दूर जाएगी। तो क्या करना है आपको अपने चैनल पे ढेर सारी वीडियोस को अपलोड करना है, फालतू फालतू नहीं, क्वालिटी वीडियोस को अपलोड करना है। जो कॉन्टेंट आपका है उस कॉन्टेंट बेस पे भी वीडियो अपलोड करनी है और कोशिश करनी है क्वांटिटी ज्यादा से ज्यादा हो। पॉइंट नंबर थ्री, अब आती है क्वालिटी वीडियोस। क्वालिटी वीडियो से मेरा मतलब ये नहीं कि आप भाई DSLR ले आओ, महंगे महंगे कैमरे ले आओ, महंगे महंगे प्रोडक्ट ले आओ, रिंग लाइट ले आओ, ये लाओ वो लाओ। नहीं नहीं, स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं करना है। मर्जी हो तो कर सकते हो, अगर आपके बजट में है तो आप करोगे बहुत अच्छा रहेगा, नहीं बजट में है तो सिंपली आप अपने फोन से वीडियो बना सकते हो। क्वालिटी से मेरा मतलब ये था कि आपको अपनी स्किल्स पे इंप्रूवमेंट करनी है। अगर पहली वीडियो आपकी थोड़ी बुरी बनती है तो अगली वीडियो आपकी उससे अच्छी होनी चाहिए, अगली वीडियो उससे भी अच्छी होनी चाहिए, अगली वीडियो उससे भी अच्छी होनी चाहिए। तो आपको अपनी क्वालिटी इंप्रूव करते रहनी, अपने स्किल्स को बढ़ाते रहना। जब तक ड्राइविंग सीखोगे नहीं, ड्राइविंग की स्किल्स नहीं बढ़ाओगे तब तक कार चलाओगे कैसे, कैसे कार को आगे बढ़ाओगे? आपकी कार रोड पे उतरेगी नहीं अगर आप अपनी स्किल्स को नहीं इंप्रूव करोगे, समझ रहे हो? तो आपको अपनी स्किल्स पर ध्यान देना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे वर्क करना है, बोलने के तरीके पे काम करना है। आप मेरी स्टार्टिंग वीडियो जाके देख सकते हो वहां पे मेरा तरीका कैसा था और अब कैसा है, कुछ इंप्रूवमेंट मेरे को लगती है। आप भी जाके देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन बताइए कि कुछ इंप्रूवमेंट आपको लग रही है, नहीं लग रही है, नहीं लग रही है तो मुझे बताइए, मैं इसको और इंप्रूव करूंगा। तो गाइस ये तीन पॉइंट्स हैं जो आपको स्टार्टिंग में ध्यान रखने होते हैं। अगर आप इन तीन पॉइंट्स पे फोकस कर ले तो अच्छे से तो आपका चैनल यहाँ से यहाँ जाने वाला है बहुत ही जल्दी। और इसके आगे मैं आपको और भी तरीके बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने YouTube चैनल को ग्रो कर सकते हो क्वांटिटी के साथ, क्वालिटी के साथ, अपने स्किल्स के साथ। तो गाइस अगर आपने इन तीनों चीजों पर ध्यान दे लिया ना तो आपको आपकी कार चलाने का लाइसेंस बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, आपका चैनल बहुत ही जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा और जल्दी से जल्दी आपकी इनकम भी आने लगेगी, अर्निंग भी शुरू हो जाएगी। लेकिन यूट्यूब पर आपको बता दूं कि यूट्यूब पर अगर आपको एक रुपया भी आ जाता ना आपके व्यूज के थ्रू, एक रुपया भी आ जाता ना मोनेटाइजेशन के बाद, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ अगले महीने की इनकम आपकी कम से कम 1000 रुपये होगी। ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ बात हजारों लाखों की नहीं होती, यहाँ पे बात समझ रहे हो बहुत पैसा है इधर। और जब आपको लाइसेंस मिल जाएगा तब आपकी कार रोड पे नहीं चलेगी, हाईवे पर दौड़ेगी।
दौड़े गया हाईवे पर। तो गाइस जब यहाँ तक आ ही गए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे जल्दी से जल्दी, तुरंत के तुरंत। और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम अपनी जर्नी को आपके सामने पूरी तरह से शो करेंगे, कैसे क्या किया स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, चैनल को मोनेटाइज करके भी दिखाऊंगा, बट अभी थोड़ी क्वांटिटी में इंप्रूवमेंट करनी है, थोड़ी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करनी है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू सो मच। जय भीम।